नमस्ते फ्रेंड्स, आज आ गए योगाश्रम में। चलिए आपको दिखाते हैं। हम यही 12 सात से चापाटाली मोड़ से हम फिर इधर ऑटो कर लिया था। ऑटो करने के बाद ये आपको दिखा रहे हैं पातंजलि से। आप इधर से 12 सात से आए हैं चापाटाली मोड़ से, इधर हमने ऑटो रोक लिया था। पातंजलि है ये, इस तरीके से पातंजलि स्टोर से ये आपका योगाश्रम पड़ेंगे। लिखा नहीं है इधर, देखते हैं। इस समय खुला होगा तो चलिए दिखाते हैं। आज हम शाम को निकले हैं, 4 बजे के निकले हैं, तब भी इतना टाइम हो गया। बस सुबह नहीं निकले थे, थोड़ा बहुत काम था घर पे। आप मेरे तरह पूछ के भी हेल्प, ये लोकल लोगों से पूछ के भी आ सकते हैं। ये आश्रम में आ गए हैं। बंगाली भाषा में लिखा है, हम किसी से पूछ के बताते हैं। सामने ही है बजरंगबली बाबा जी, राम सीता, चैतन्य महाप्रभु साइड में। देखिए, हम काफी अंधेरा हो गया, इतना जल्दी आए थे, आजकल ठंडी पड़ने लगी ना। इस तरीके से अंदर दिखाते, अंदर थोड़ा बहुत लाइट है। 12 सात में भी नारियल का पेड़ बहुत है। आश्रमों में फूल उल रहते हैं, अच्छा लगता देखने में। नैनतारा ये है आश्रम का पूरा दीवार, साफ सुथरा आश्रम बना है। आपको अगर आने की इच्छा हो, आसपास रहते हैं। ये महाराज जी है, सुचेतानंद महाराज जी। ये गुरु महाराज जी है, ये गुरु महाराज जी है, और उनके सब परम, सब हाँ, आप सब परम गुरु हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से मॉन्क्स ऑफ इंडिया, ये देखिए। आप आएंगे तो बहुत ही आपको आनंद आ जाएगा। दुर्गा जी, दुर्गा पूजा होता है यहाँ पे। हाँ देखिए, ये महाराज जी के फोटो लगे हैं, सुंदर सा। और देखिए कितना साफ सफाई है। और जो गेस्ट वगैरह आते हैं, महाराज जी आते हैं, इस तरीके से उनको बैठाला जाता है। देखिए कितना सुंदर प्लास्टिक के फूलों से सजा रखा है। ये गुरु जी के आसन हैं, इस तरीके से हमने परमिशन ले लिया था। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाया लिखाया जाता है, ये सबसे अच्छी बात है। छोटे छोटे बच्चे हैं, 4-5 क्लास पास हो जाएंगे, उसके बाद जो गरीब बच्चे होते हैं, ये गरीब बच्चों को शाम के समय नाश्ता पानी दिया जाता है। इस तरीके से ये लोग रात का खाना मिलता है, सुबह का नाश्ता, शाम का नाश्ता, रात का खाना। पाठशाला है, पढ़ाई लिखाई होती है। ये बंगाली में क्या लिखा है हमें नहीं पता है, तो ऐसे आपको दिखा दिया है। इस तरीके से इन लोगों को रूम वूम सब प्रोवाइड किया है महाराज जी ने। महाराज जी टॉयलेट बाथरूम्स की व्यवस्था है। छोटे छोटे बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं, हाँ बहुत सारे बच्चे हैं। ये देखिए किचन है, तो बहन जी हैं,
भाई जी हैं, सब सब्जी काट रहे हैं बच्चों का, रात का हाँ ब्रह्मचारी है, बट यही कहीं शिष्य है ब्रह्मचारी, ये लोग मतलब रात का भोजन का व्यवस्था कर रहे हैं, खाना पीना का। आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, हम चाहेंगे एक बार जो अगल बगल रहते हैं ज़रूर आएँ। देखिए ये सब कोने खमची में बना हुआ है, तो क्या होता है ना हम लोग को पता ही नहीं रहता है। ये शिव जी है, शिव जी देखिए, गौरी शंकर मंदिर है, देखिए कितना सुंदर साफ सफाई, हाँ दुर्गा पूजा होता है हमने बोला है, देखिए कितना साफ सफाई, छोटे छोटे बच्चे हैं ये सब लगाते हैं, सब सीख रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये नहीं कि पढ़ाई और उभद्रो करो, घर में रहते तो कुछ ना सीख पाते। देखिए सब गार्डनिंग का काम मुनि लोग से कराया जाता है, गार्डनिंग का काम सब सिखाया जा रहा है, ये देखिए, और उन लोग को पढ़ाया लिखाया जाता है, और खाना पीना हाँ देखिए दरवाजे में, देखिए देखिए कितना प्यारा दरवाजा है, हाँ देखिए कितना सुंदर प्यारा शिव जी, कितना सुंदर प्यारा दरवाजा है, माँ गौरी अम्बे गौरी, देखिए कितना सुंदर बनाया गया है, कितना बढ़िया मंदिर है। हमसे कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं अगर आप जल्दी आती सुबह के टाइम में, एक्चुअली में क्या होता है सुबह के टाइम में, एक्चुअली में क्या होता है सुबह के टाइम में अधिकतर मंदिर 12 बजे के बाद बंद हो जाता है। अभी उस दिन को हम शोभा बाजार की तरफ गए थे और हम जब गए तो बंद था, उसके बाद जो है हमने कहा अंदर का देख लीजिए, भगवान जी का मंदिर ना खोलिए, लेकिन वो मना करने लगे। ये देखिए कितना सुंदर बना हुआ है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड में दिखाया है। नौ दुर्गा का रूप है, हाँ नौ दुर्गा का रूप है, नौ देवी माँ, नौ देवी, जो लोग नवरात्रि का व्रत छिन्नमस्ता माँ काली सरस्वती, हाँ देखिए ये सब जो सुबह के टाइम में आएंगे, देखिए द्वादश ज्योतिर्लिंग है, ये जो हाँ ये देखिए जो नवरात्रि का व्रत रहते हैं उनको जरूर पता है छिन्नमस्तक मंदिर है। ये देखिए सारे नौ देवियों का रूप है, अर्जुन ऊपर देखिए, बजरंगबली बाबा, और ये देखिए आप जरूर आइए, लेकिन वो मंदिर खुला रहता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप 3 बजे भी आना चाहेंगे तो आ सकते हैं। कितना सुन मदस मिले, देखिए छोटे छोटे बच्चे कितना पक्के हो गए, ट्रेंड हो गए, ये सब चीज सीखे तो ये होता है, अच्छी वातावरण में बच्चे रहेंगे पल जाएंगे आपके बच्चे। ये देखिए ये देखिए अर्ध अर्ध नल विष्णु अर्ध, अच्छा यहाँ पर दुर्गा पूजा हो रही है, देखिए ये बना हुआ है दुर्गा पूजा, हमें पता नहीं था, हमें पता नहीं था, नहीं तो हम जरूर आते, हमें इतना पता नहीं था, जो आसपास में है जरूर से आइए, और 3 बजे 2 बजे कभी भी आएंगे सब खुला है। जैसे और मंदिरों में बड़ी दिक्कतें होती है, 12 बजे के बाद बंद हो जाता, फिर इतना किराया लगा के जाते हैं, फिर बैठे रहो। ये देखिए शिवलिंग है, देखिए कितना सुंदर शिवलिंग बना है, देखिए अच्छा अच्छा, देखिए बहुत कठिन भाषा बंगाली में हम बोलने में दिक्कत होती है, क्योंकि बंगाली भी है बहुत कठिन है, सस्ता नहीं है। अच्छा हम तो हिंदी में ही रहते हैं इसलिए हमें बहुत ज्यादा कठिन भाषा नहीं समझ में आता है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक टुकड़ी लंबा होले पूछ कर दाओ, तो देखिए ये जो है 15, 16, 17 महाराज जी के यहाँ जनवरी महीने में मतलब यज्ञ से लेके भोजन मतलब भोग से लेके यज्ञ ये सब चीज अनुष्ठान बहुत बड़ा है। और क्या क्या चीज है देखिए, यहाँ मंगल को दीपाजन होगा, अच्छा हाँ शोभा यात्रा होगा, चौनास होगा, देव पूजा होगा, गुरु पूजा होगा, रुद्र यज्ञ होगा, प्रसाद वितरण होगा सबके लिए। 15, 16, 17 देखिए यहाँ है पद्म पदास जी आएगा, सरगमापा में जो है करते है ना वो पद्म पदास जी, अच्छा पद्म पदास जी, हाँ सिंगर सिंगर जी आएंगे। देखिए ये महाराज जी है, वर्तमान गुरु जी है, हाँ
वर्तमान गुरु जी। अच्छा अच्छा, गुरु जी के गुरु जी, परम गुरु जी, गुरु जी एक पूरा परंपरा। हाँ, अच्छा अच्छा, ये देखिए जो बंगाली पढ़ लेते हैं वो लोग पढ़ लीजिएगा, ये वाणी है सब। हाँ हाँ, भगवान के ये देखिए, कहीं जाओ तो अगर थोड़ा कोऑपरेट करे ना तो फिर अच्छा वीडियो बन पाता है। यूट्यूब इतना पावरफुल है, आप यूट्यूब से ही सब लोग जान जाएंगे कहाँ पे क्या मंदिर है, क्या है। यहाँ भी एक मूर्ति है। दस अवतार सनातनी धर्म को पकड़ के रखिए। जितना भी आपका दुख दर्द है, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, क्या है नहीं है, जो भी कुछ है सब उसी में ही आपका काफी हद तक पार हो जाएगा। सनातनी धर्म इतना बड़ा धर्म है। ये सब गुरुदेव जी है, परम गुरुदेव जी, देख रहे हैं। पढ़ना चाहिए। बड़े बड़े अनुष्ठान हो रहे हैं, जरूर आइए। सब हमने टाइम बता दिया है, सुबह से खुल जाएगा, सभी कुछ है। सारे का माँ पाधानी का भी आ रहे हैं सब गायिका लोग, बहुत सुंदर। देखिए कैसे हर दिन भजन होता है, हर दिन भजन होता है। क्या बजे से क्या बजे तक? सुबह होते हैं। हाँ, 4 बजे। अच्छा हाँ, देखिए कितने अच्छे बच्चे बनेंगे, पता है आपको कितने अच्छे बच्चे बनेंगे। 12 बजे भूख लग जाते हैं। हाँ, नहीं तो देखिए बच्चे के मुंह से हमेशा गाली निकलता है। देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ से जब पढ़ के जाएंगे ना, कोई शाम में 7 बजे होते हैं। बताइए अभी थोड़ी देर बाद में शुरू हो जाएगा। बताइए से है साधु निवास, हमने दिखाया नहीं, साधु लोग रहते हैं, विद्यार्थी विद्यार्थी और साधु निवास बने, तो इसलिए हमने दिखाया नहीं। ब्रह्मचारी है, हाँ, अच्छा ब्रह्मचारी है। और देखिए जो भोजन भी है यहाँ पे, भोग भोजन जो भी, बच्चों लोगों को सब शाकाहारी है, प्याज लहसुन भी नहीं है। और सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, उठ के सब भजन करना पड़ता है। इन लोग का बहुत नियम है, बहुत कठिन है। साफ सफाई से सबको काम दिया गया। बोरे में मिर्चा है, हाँ बोरे में मिर्चा है। और देखो देखिए यहाँ पे सब बहन जी भाई जी सब लोग मिलके साफ सफाई से काट के रख रहे हैं, सब तोड़ के सब, मतलब सब आश्रम का ही रहता है साफ सफाई, हल्दी जीरा जो भी है सब धुलाई उलाई करके व्यवस्था बच्चों का। और यहाँ पे जो भी है देखिए यहाँ पे सब टाइल्स लगाया जा रहा है, क्योंकि कोई भी आश्रम में अगर बाथरूम ना हो तो व्यवस्था नहीं बनती है, नल लगा हुआ है। आप देख सकते हैं सब टाइल्स लगा के सब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। देखिए ये देखिए सब बाथरूम टॉयलेट लेटरिन बाथरूम सब कुछ बन रहा है। पीछे भी बाग बगीचा है, ये सब में पत्थर लगाया जाएगा, सब ये सब पत्थर से लगाया जाएगा। और बिल्डिंग देखिए बहुत बड़ा अच्छा आश्रम है, आप लोग जरूर आइए। और रहने की भी व्यवस्था है, अगर आप चाहेंगे कि हम जो है रहेंगे तो आप रहने की भी व्यवस्था बना हुआ है। आपको पहले से फ़ोन करके आना पड़ेगा, अनुष्ठान अगर हो या तो अभी आपको हम फ़ोन नंबर भी दे देंगे, आप फ़ोन करके रहने खाने की भी व्यवस्था है। आप कहीं पे भी जाएंगे मंदिर अंदिर में फ्री में मत रहिएगा, क्योंकि दान सबसे ज़्यादा बताया गया है। तो आपसे जो हो, आप एक रूम पे भी रहेंगे तो 300 रुपये के नीचे क्या रहेंगे, तो आप अपना सोच समझ के दान कर दिया करिए। कहीं पे भी फ्री में खाने की कोशिश ना करें,
या रहने की कोशिश ना करें, जरूर दान करके जाएं। देखिए ये सब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है, ये सब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सब रूम बनेगा, बड़ा सा गेट पीछे से भी है, काफी बड़ा बना है। ये देखिए ऊपर बना हुआ है रूम, सब बिल्डिंग देख रहे कितना साफ सफाई। देखिए ये सब मजदूर लोग करते हैं, ये बच्चे नहीं करते हैं, सब मजदूर लगे हैं। देखिए सब रूम बन रहा है, मतलब ये आप बुकिंग करके आराम से आ सकते हैं। काम सब चालू है, चल रहा है अभी भी। ये देखिए टाइल्स वगैरह सब पड़े हैं, देखिए इस तरीके से बड़े बड़े हैं। बहुत भीड़ होगा, सब रूम है। ये सब वो सन्यासी बाबा लोग के हैं कि विजिटर का है? विजिटर। अच्छा देखिए सब रूम है विजिटर लोगों के, ये सब विजिटर लोगों के रूम है। अंदर दिखा दिया आपको, अभी बंद है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, एक्टर रूम देखिए, एक्टर रूम देखिए, एक्टर देखिए, ना ना না না আমি কিছু দেখাবো না, দূর থেকে দেখিয়ে দেবো। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, ইয়ে সব ভিজিটর রুম হ্যাঁ সব দেখি 103 104 সব লিখা হুয়া 102 হ্যাঁ আপ ইস সময় অর ভি বনতা চলা যা রা হ্যাঁ ইয়ে দেখিয়ে कितना अच्छा और कितना बड़ा है, आप देख रहे हैं है? आप अगर बाहर से भी आ रहे हैं ना तो फोन कर लीजिएगा, आप अगर फैमिली लेके बाहर से भी आ रहे हैं। फोन नंबर दीजिए, हाँ फोन नंबर ये देखिए 8981616467 और एक नंबर है ये, हाँ एक नंबर ये है 9163765758 ये मेन है। तो आप अगर ये तो की लिखा चाहिए पासपोर्ट आईडी, अच्छा आप अगर आएंगे तो ये वोटर कार्ड और ये अच्छा वोटर कार्ड आईडी नियम पालन करना, हाँ ये सब तो लाना ही पड़ेगा। आप होटल में जाएंगे तब नहीं रहेंगे, ये सब चीजें लेके आना पड़ेगा। आप अगर बाहर से आ रहे हैं तो आप जो है पहले से ही फोन कर दीजिएगा, फोन करके महाराज जी के आश्रम में रहिएगा, यहाँ पे इतना अच्छा भजन होता है, 4 बजे से भजन कीर्तन चालू हो जाता है, आप आराम से रह सकते हैं। ये देखिए सब लॉक है, हाँ पहले से फोन से कांटेक्ट करके आइए और अच्छा वातावरण में रहिए, हमेशा घर में रहने से कोई लाभ नहीं है। जो हमारे लोग की तरफ बुजुर्ग हो गए हैं इस तरीके से, कपड़ा फैलाने की व्यवस्था सब कुछ है, आप पहले से बुक कर लीजिए, उसके बाद आराम से यहाँ पे सुबह से भोजन, फिर आप बाहर जाके जो घूमना उमना जाना है घूम जाइएगा, थोड़ा सा 2-4 दिन यहाँ रहने से भी आपको अच्छा लगेगा जो बाहर से आते हैं। अच्छा देखिए वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, अच्छा अच्छा वीडियो स्किप मत करिएगा, रात हो गया, देखिए आप लोग के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं दिखाने के लिए, अभी ज्यादा टाइम नहीं है, 5:30-6 बजा है। देखिए बेल बेल बगीचा है, देखिए कितना बेल है, बेल गाछ है, हाँ देखिए कितना बेल लगे हुए हैं, देख रहे हैं हर जगह बेल लगा है। गौशाला है, हाँ ये गौशाला है, यहीं से बच्चों को भी और सबको जो है फैन वगैरह सब चल रहा है, सब व्यवस्था है, साफ सफाई है, महाराज सब शिष्य जो है थक थक भर रहा है। इधर भी आ सकते हैं, आपको हमने फ्रेंड से दिखाया था, फिर देखिए एक बाहर से भी, एक बारह सात आबार चले जाए, हाँ दिखे दिखे, अच्छा देखिए ये भी बड़ा सा गेट बना है, काफी बड़ा बना है, रहने की व्यवस्था है, आप महाराज जी से पहले से फोन में बात कर लीजिएगा। देखिए ठाकुर जी का गाना चल रहा है, ठाकुर जी का गाना चल रहा, काली पूजा है, आज धनतेरस है, आज सबसे पहले हैप्पी धनतेरस सभी को, हम भूल गए थे, कल छोटी दीपावली है, परसों बड़ी दीपावली है, तो काली पूजा बंगाल में बहुत बड़ा होता है, तो गाना भगवान जी का गाना चालू रहता है। यहाँ पे दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से होता है, महाराज जी बता रहे हैं यूट्यूब से कोई आया था, पूरा बना के ले गए थे, जिस वजह से बहुत भीड़ होने लगा था, अभी भी भीड़ होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं बांग्लादेश से आए हैं,
सब गुरु के ही सब मंदिर आना जाना करते हैं। प्रसाद दिया है, देख रहे हैं हम आश्रम के सामने ही है। और आप लोग को जैसे बता दिया सब रैली है 15, 16, 17 जनवरी महीने में रैली है, यज्ञ है, भोग है, बहुत कुछ है यहाँ पे। आप लोग हम अगल बगल कहीं पे भी रहते हो आप जरूर आइएगा, रहने की व्यवस्था है, पहले से फ़ोन करके आना पड़ेगा आपको। और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, पसंद आए, प्लीज़ थोड़ा सा शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए। तो फिर दोस्तों वीडियो यही समा से भी अच्छा लगे थोड़ा लाइक कर दोस्तों। नमस्ते, आप लोग हष्ट पुष्ट स्वस्थ रहें।